की याद आती है और उसका चेहरा हमारे साथ सामने आ जाता है और इसे सुनते ही हमारा मन प्रसन्न हो जाता है, शांत हो जाता है। जैसे हर कोई चाहता है हमें कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना है, तो आप इस बांसुरी को बजा सकते हैं, बहुत आसानी से सीख सकते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी आपको। तो सबसे पहले अगर आपके पास बांसुरी है या फिर नहीं है तो कौन सी भी बांसुरी आप खरीद लीजिए, और उसको कैसे बजाना है इसका ट्यूटोरियल मैं आज से शुरू करने वाला हूँ। मैं बहुत एक्सपर्ट बांसुरी प्लेयर नहीं हूँ, लेकिन जो भी मैंने कुछ सीखा है मैं चाहता हूँ कि आपके साथ वो शेयर करूँ। और जैसे ही एक वीडियो में मैंने शंख बजाना सिखाया था और बहुत सारे लोगों ने वो सीख लिया, तो वैसे ही मैं चाहता हूँ कि बांसुरी भी आप बजाना सीख सकते हैं। और अगर आपको ये बांसुरी बजाना आप सीख जाएंगे तो आपको बहुत ही आनंद होगा और आप जरूर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। माइंड जो मेडिटेशन रहता है इससे बहुत आपको फायदा होता है। तो सबसे पहले आपको इस बांसुरी, आप देख सकते हैं यहाँ 6 होल रहते हैं लेकिन इसमें से 7 सुर निकलते हैं, 6 होल और 7 सुर। तो आपको पहले ये उंगलियां रखने की प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि ये होल जो है इक्वल डिस्टेंस पे नहीं होते, इसमें ज्यादा डिस्टेंस है, इसमें कम है, इसमें इक्वल है। तो आपको ये बांसुरी पकड़ने की प्रैक्टिस करनी होगी। पहले 15-20 दिन मैंने वैसे ही किया जैसे प्रैक्टिस, इस उंगली को रख के ऐसे। तो ये थोड़ी सी मोटी बांसुरी है और इस पे अगर आप एक बार सीख जाएंगे तो कौन सी भी बांसुरी अगर बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं। तो मैं आपको अभी बताऊंगा, जैसे हमारी उंगलियां रहती है, उंगलियों का ये टिप इस होल पे आएगा, सबसे नीचे जो होल है वहां पे, उसके बाद यहाँ का पोर्शन इस होल पे आएगा और ये मिडल पोर्शन इस पे आएगा ऐसे, और सेम लेफ्ट हैंड इस पे आएगा, ये टिप हम इस होल पे रखेंगे, थोड़ा सा यहाँ और ये यहाँ ऐसे ऐसे रख के आप शुरू में सिर्फ आवाज निकालिए, सुर और प्ले इसको बजाना आप इसको भूल जाइए। पहले आपको यहां से आवाज निकालना है, क्योंकि यहाँ का एक बहुत ही माइनर एंगल रहता है, वो सेट हो जाएगा तो आपकी आवाज निकलेगी। जैसे शुरू हुई तो आप इसको ये उंगलियां रख के धीरे से फूंक मारिए, इसको आप घुमाने के ट्राई कीजिए तो आपको एंगल जरूर ध्यान में आ जाएगा। अलग अलग आवाज निकलती है। तो सबसे पहले आप सीखना चाहते हैं तो इस आवाज को निकालना शुरू कीजिए। अगले वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल, जैसे मैंने आपको मैंने खुद सीखा था तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो तब तक इस वीडियो को देखते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए और देखते रहिए हमारा ये चैनल फंटोस। थैंक यू।